वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स वर्कर्स ने दिहाड़ी मजदूरों के बराबर वेतन की मांग को लेकर दाची गांव श्रीनगर में एहतजाज किया। बड़ी तादाद में दिहाड़ी मजदूरों ने डिलेल पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोर्चा खोल दिया। मजदूर संघ के सदर मंजूर अहमद भट्ट ने कहा कि वे 10-20 साल से काम करते आए हैं, लेबर आज भी बराबर सैलरी नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है, यही कैजुअल लेबर फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा कैजुअल लेबर, मैं सीजनल इसमें लिखूंगा, मगर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम ये चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में 754 कैजुअल लेबर्स है, यहाँ तो हमें डिसएंगेज किया जाए एक ही बार, और पिछली जो 20 सालों की लेबलिटी है वो हमें दे दी है, और हम ये काम आज से नहीं करेंगे। सीजनल लेबल और कैजुअल लेबल जो उसका निर्व्यस्तता मतलब होता है, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ उनको निकालना और उसके बाद टर्मिनेट करना। ये तो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, चाहे साल में इनको 3 बार सैलरी कटती है मिलती है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कम से कम यहाँ ये जो डीडीओ है ये सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानी चाहिए ताकि इन्हें हल होंगे। तो हम ये अपील करते हैं यहाँ की LG की एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी से कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व किया जाए।